ऐसा होगा कि ईवीएम में कांग्रेस के हाथ का पंजा नहीं, क्या कहना चाहेंगे? यही जब हम बार बार कहते हैं कि मोदी जी ने लोकतंत्र को के राज्य में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में, मत का अधिकार खतरे में, मीडिया का इंडिपेंडेंसी खतरे में, क्यों बोलते हैं? संविधान को खतरे या लोकतंत्र को खतरा एक प्रकार से नहीं होता है। 17-17 सरकारें गिरा दी गई, 500 से ज्यादा विधायक खरीद फरोख्त हो गए, कई उदाहरण ऐसे पेश कर दिए नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ के अलावा भी और कोई, जिसमें लोकतंत्र की हत्या हुई। और अब चार जगह बीजेपी ने अपने कैंडिडेटों को कहीं खरीद लिया, कहीं डरा दिया, कहीं धमका दिया, कहीं किसी न किसी प्रकार के प्रशासन का उपयोग कर लिया, कहीं लालच कर लिया, उसमें इंदौर भी है। तो इंदौर शहर को बीजेपी ने, वो बीजेपी जिसको हमेशा जनता ने सहयोग किया, उसने चुनाव विहीन कर दिया। ये अपने आप में मतलब लोकतंत्र की हत्या तो है ही, पर माँ अहिल्या का भी अपमान है। मैं कह चुका हूं कि हर बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आमजन हो, ये अहंकारी लोग, ये माफिया, राजनीतिक माफिया लोग, ये व्यवस्था को, गुंडई को और इस तरीके की मूवमेंट बना के लोगों को अलग अलग तरह के दबाव बनाकर अपना अहंकार बताना चाहते हैं। इनको सबक सिखाओ। और ये जरूरी है कि आज एक प्रत्याशी, एक पार्टी का आप ले गए और उसके बाद भी आप अपना हुनर बताते हो, यानी उस जनता की क्या गलती थी जिसने ये कहा कि मैं मेरे मत से मेरा जनप्रतिनिधि चुनूंगा, उसको हटा दिया। तो नेचुरल नोटा एक उसका हमें कानून ने अधिकार दिया है, जो इस पूरे कृत्य के खिलाफ है वो नोटा पे दे। आपने स्वाभाविक है, मत का अपना अधिकार होता है, उसने दिया। उज्जैन में कांग्रेस का एक वीडियो